Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Pratham Skand, Adhyay 16, Shlok Sankhya 16. Is Adhyatmik Gyan mein pravesh karne se pehle, Guru aur Gauranga se Krupa ki yachna karte hue Mangala Charan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain, uska pura pura labh prapt ho sake, jo ki hai Krishna Prem ki prapti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Namah Pankajanabhaya, Namah Pankajamalini, Namah Pankajanitraya, Namaste Pankajangraye, Krishna Tvadiya Pada Pankajapan Jarantam, Atyaiva Mi Vishato, Manasarajahamsa Prana Prayana Samaye Kafavata Pittaye Kanthavarodhana Vido Smaranam Kutasta Smartavya Satatam Vishnu Vismartavyo na jatuje Sarvavithi nishirasyo Itayoreva kinkara Aradhyo bhagavan Brajishatanaya Tathama Vrindavanam Ramya Kachidupasana Vrajavadu Varkinaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prima Pumar Thomaha Sri Chaitanya Maha Prabhu Matamidam Tatradharo Na Para Karārivindi napadārivindam Mukhārivindi vinivishayantam Vatasya patra syaputi shayanam Balam Mukundam Manasa Smarami Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Nara Yana Vasudeva Jihave Pibaswa Mritume Tadeva Govinda Damo Dharamadaviti Vamshi Vibhushitikara Navaniradhabha Pitam Bharadaruna Bim Bhavala Darushta
पूर्वीन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जाने ब्रजे वसन्तम् नवनीतचोरम् गोपांगनानां चतुकूलचोरम् श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोरागगण्यम् पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 16। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। सारथ्य पार सदसि वन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन पवन प्रमाण वीरासनानुगमन पवन प्रणाम स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च वीषु भक्तिं करोति नृपति चरणारविन्दे सारथ्यपारषदसि वनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश् चरणारविन्दे सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणाम स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्
प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चर नारविन्दे शब्दार्थ सारथ्य अर्थात सारथी के पद की स्वीकृति पार्षद अर्थात राजसूय यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति अग्रत्व सेवना अर्थात भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना सख्य भगवान को मित्र रूप में सोचना दौत्य दूत पद की को स्वीकार करना वीरासन रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाले के पद की स्वीकृति अनुगमन चरण चिन्हों पर चलना स्तवन प्रार्थना करना प्राणामान अर्थात प्रणाम करते हुए स्नेह देशु जो लोग भगवान की अच्छी इच्छा के प्रति विनम्र हैं उनको विनीत पांडुषु पांडुओं में जगत यानी विश्व प्रणतिम जिसकी आज्ञा का पालन किया जाए उसको च तथा विष्णु यानी विष्णु की भक्तिम यानी भक्ति करोति करता हूँ निपति राजा चरणारविंदे यानी भगवान के चरण कमलों पर अनुवाद महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु की आज्ञा का सारा जगत पालन करता है उन्होंने अपनी अहितु की कृपा से पांडवों के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने मित्र बनने रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर गुरु आराध्य देव पथ प्रदर्शक सारथी मित्र सेवक दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वो थे। इस प्रकार भगवान ने पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य प्रतिदान का महत्व समझ सकते थे और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण प्रतीत होते हैं लेकिन जो उन्हें ठीक से समझता है वह भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। पांडवगण भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सकते थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे
श्रीगुरुन्दीनतारणम्। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 16, जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि कलयुग के आगमन के बाद परीक्षित महाराज दिग्विजय करने के लिए गए, और उसके बाद वो जहां जहां जाते थे वहां पर वे निरंतर अपने महान पूर्वजों को, जो सभी भगवत भक्त थे, उनके यशोगान के विषय में और श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथाएं सुनने को मिल रही थी। और साथ में वो ये भी सुनते थे कि किस प्रकार से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा वो बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथावंशियों के मध्य में अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केशव जो है वो प्रथा के प्रति अत्यधिक स्नेही थे, वो बहुत ही श्रद्धावान थी। तो राजा ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें, उनकी आंखें खुल जाती थी, और उदारतावश उसने प्रसन्न होकर सबको बहुत सारी भेंटें देते थे। और उसके बाद आज जो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वे वास्तव में भगवान के स्वभाव के विषय में बता रहे हैं कि भगवान कितने कृपामयी हैं, कितना स्नेह करते हैं अपने भक्तों के साथ। भगवान जब भक्तों के साथ भगवान के स्नेह की बात आती है तो उस समय भगवान अपनी भगवतता को भूल जाते हैं। वास्तव में भक्तों, कृष्ण शक्तिमान है और बाकी सब कुछ, जो कुछ भी है वो उनकी शक्ति है। शक्ति सदैव शक्तिमान के अंडर में रहकर कार्य करती है। जैसे हम भगवान की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है आह्लादनी शक्ति, जो कि है श्रीमती राधा रानी। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले श्रीमती राधा रानी का नाम लेना पड़ता है। क्या कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए पुरकशिष भगवान की आह्लादनी शक्ति, कृपया मुझे कृष्ण की सेवा में स्वीकार करो। हो सकता है कि अगर हम डायरेक्ट से कृष्ण की शरण में जाएं, तो इतना जल्दी से हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त न हो, लेकिन जब हम कृष्ण की शक्ति, आराधनी शक्ति के थ्रू, श्रीमती राधा रानी के माध्यम से जब भगवान के पास जाते हैं, तो ये गारंटीड है कि अवश्य कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। मतलब कृष्ण जो है वो शक्तिमान होकर भी शक्ति के अंडर में, शक्ति की सेवक की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में सूत गोस्वामी भगवान किस तरह अपने भक्तों की सेवा करते हैं और किस तरह एक सेवक की भूमिका निभाए, यहाँ पर भूमिका शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। भूमिका मतलब होता है प्लेइंग अ रोल, जैसे आप वास्तव में कोई अलग व्यक्ति हो, लेकिन एक जैसे सीरीज है, एक फिल्म है, वास्तव में कोई और है, परंतु उस फिल्म में उसने सेवक की या हीरो की या विलन की भूमिका निभा रहे हैं। परंतु भगवान जो भी कार्य करते हैं ना, वो नित्य करते हैं। भगवान जो है ना, वो ऐसा कोई भूमिका नहीं निभा रहे होते हैं, कोई रोल प्ले नहीं कर रहे होते हैं, वो वही बन जाते हैं। जैसे भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो कार्य है, भगवान सारे के सारे नित्य हैं। जैसे जीवेरे स्वरूप है कृष्णेन नित्य दास, जैसे जीव जो है वो कृष्ण का नित्य दास है, भले वो राजा बन जाए, भले वो भिखारी बन जाए, भले वो
मनुष्य हो या कोई जानवर बन जाए, लेकिन फिर भी वो जीव जो है वास्तव में कृष्ण का दास है, यही इसकी वास्तविकता है। उसी प्रकार यदि कृष्ण के विषय में कहा जाए तो कृष्णेन स्वरूप हुए भक्तेर नित्यदास, ये कृष्ण का स्वभाव है, ये कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है कि वो भक्त का नित्य दास बनते हैं। और ये इन दोनों में होड़ लगी रहती है। भगवान सोचते हैं कि मैं किस तरह से अपने भक्त को प्रसन्न करूं, और जो वास्तव में शुद्ध भक्त होता है वो सदैव ये सोच रहा है कि मैं कैसे अधिक से अधिक सेवा करूं और भगवान को प्रसन्न करूं। बस ये ही एकमात्र इच्छा होती है शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में। भगवान जब भक्त की सेवा करते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान अपनी सेवा करवा के इतना अधिक प्रसन्न नहीं होते जितना कि वो भक्त को प्रसन्न करके प्रसन्न होते हैं। वास्तव में भक्तों, ये जो कृष्ण है ना, वो रसिक शेखर है। रसिक शेखर का मतलब होता है कि हर रस का परिपूर्णता के साथ आस्वादन करने वाला, हर रस को कम्प्लीटली स्वाद लेने वाला। तो भगवान इस रस का भी आनंद लेते हैं। ये जो दास्य रस है ना, जो सेवा रस है ना, उस रस का भी आनंद लेना चाहते हैं। तो ये सेवा रस का आनंद भगवान अपनी भगवत्तता को दिखा कर नहीं ले सकते, है ना। इसी भगवान जब सेवा रस का आनंद लेना चाहते हैं तो वो अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि भगवान चाहे सेवक बने या आराध्य, वो वास्तव में भोगता ही रहेंगे। कृष्ण इज सुप्रीम एंजॉयर, परम भोगता है कृष्ण। तो परम भोगता का मतलब होता है वो जो संपूर्ण रसों के भोग्य हो, मतलब वो सारे रसों को भोगने वाले हों, तो उसको परम भोक्ता कहते हैं। यानी कोई रस ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई आनंद ऐसा नहीं होना चाहिए, रसों की लिस्ट में कोई ऐसा स्वाद नहीं होना चाहिए जो कि उसने चखा न हो। जैसे अभी भगवान यदि ये सेवा रस का आनंद ना ले और कोई उनसे कहे आप रसो वैस हो ना, संपूर्ण रस का आनंद लेने वाले हो, जरा दिखाओ तो अपनी सेवा की लिस्ट, ओ अपने आनंद की लिस्ट, आपने किस किस रस का आनंद लिया है जरा दिखाइए। तो भगवान जब अपनी आनंद यानी रस भोगने वाली जो लिस्ट दिखाएंगे तो उसमें यदि सेवा रस का आनंद नहीं होगा तो भगवान को क्या कहेगा, आपने संपूर्ण आनंद तो नहीं उठाए, ये सेवा का आनंद तो रह गया भगवान। तो कृष्ण क्यों छोड़े, जब वो सुप्रीम एंजॉयर है तो वो किसी भी आनंद को नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण हर आनंद, हर सेवा का, हर एक रस का परिपूर्णता से आनंद लेंगे। इसलिए कि भगवान हर प्रकार से परम भोक्ता है। ये सेवा करके, भक्तों की सेवा करके भी भगवान परम भोक्ता है। भगवान हर एक रस के भोक्ता है। तो ये अगर वो सेवक भी बन जाते हैं तब भी ऐसा नहीं कि वो भोग्य हो गए और भक्त उसको भोग रहे, नहीं, वो तब भी भोक्ता है, वो सेवा का आनंद ले रहे होते हैं। वो अपने भक्तों के द्वारा गालियां खाने के लिए भी स्वीकृत हो जाते हैं। भक्त यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि ना ही स्वाद वैदिक उस्तुति में ऐसी ब्रज की प्यारी लागे गारी, यानी जो ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं, जो गोपियां हैं, वो जब मुझे गाली देती हैं वो मुझे वैदिक उस्तुति से भी अधिक प्यारी लगती है। ये वैदिक उस्तुति, जो वैदिक स्रोत होते हैं ना, जो वेदों के मंत्र होते हैं,
इनके विषय में कहा जाता है कि इसके अंदर इतना स्पिरिचुअलिटी है, इतना आध्यात्मिक गुण है कि यदि कोई एक श्लोक को, एक श्लोक को नहीं, यदि कोई एक लाइन को नहीं, यदि कोई एक शब्द को भी उच्चारण कर लेता है तो भी करोड़ों करोड़ जन्मों के अपराध नष्ट हो जाते हैं। जो वेदिक श्लोक होते हैं ना, तो एक शब्द को भी यदि कोई उसमें से पढ़ लेता है तो भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराध जो हृदय के अंदर संचित किए हुए होते हैं, जिनका अभी न जाने कितनों जन्मों तक उनका हमें वरना चुकाना पड़ता है हिसाब, वो केवल एक वैदिक स्तुति के शब्द उच्चारण करने से वो अपराधों के पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसी वैदिक स्तुति से भी बढ़कर मुझे उन गोपांगनाओं की गाली लगती है। वास्तव में कृष्ण जो है वो आनंद लेते हैं हर रस का। कोई भी सेवा ऐसी नहीं, अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से भगवान की सेवाओं का वर्णन जो उन्होंने अपने भक्तों की सेवाएं की, खासतौर पर जो पांडवों की उन्होंने सेवाएं की, उसके विषय में सूत गोस्वामी बहुत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं। जब से युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बने, या नहीं मतलब जब से युधिष्ठिर महाराज थे, जब से मतलब पांच पांडव इस संसार में आए, तो क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, तो भगवान अपनी अपनी राजधानी द्वारिका को छोड़कर सदैव हस्तिनापुर में ही रहते थे। ज्यादा समय हम देखें तो अर्जुन के साथ, युधिष्ठिर महाराज के साथ, उनके साथ बिताए हुए जो समय है ना, वो हमें ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनको अपने भक्तों के साथ रहना ही अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि वो भगवान बनकर रहते थे, बल्कि सब जानते थे कि वो भगवान है। इवन मैं आपको बताऊं, जब युधिष्ठिर महाराज के समय में कोई भी ऋषि मुनि, जितने भी वन थे ना उस समय में, सारे वनों में कोई भी ऋषि मुनि तपस्या नहीं करते थे, क्योंकि सारे ऋषि मुनियों ने अपनी योग साधना के द्वारा ये जान लिया था कि वास्तव में जो हमारे आराध्य हैं, जिनके लिए हम तपस्या कर रहे हैं, वो तो हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं। तो जितने भी वन थे, जो तपस्याओं की जगह थी, वो सब खाली पड़े हुए थे, और सारे जितने भी तपस्वी थे, जितने भी साधक थे, जितने भी योगी जन थे, वो सब हस्तिनापुर में आ जाते थे ताकि वहां पर भगवान के दर्शन कर सके। वो सोचते थे जिनके लिए हम आराधना कर रहे हैं, जिनके लिए हम ये तपस्या कर करके मर रहे हैं, वो तो हस्तिनापुर में, तो वहीं जाना चाहिए। तो दौड़ दौड़ कर सारे ऋषि मुनि जो हैं वो हस्तिनापुर में आ जाते थे ताकि उनके प्राणेश्वर, उनके जो ईश्वर हैं, उनके जो परम आराध्य हैं, उनके दर्शन करें। और युधिष्ठिर महाराज उन सबको देख देख कर, उनसे उनके दर्शन करके, उनके द्वारा उपदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते थे और भगवान को कहते थे, भगवान कृष्ण ये आपकी कृपा है कि मुझे घर बैठे इतने बड़े बड़े संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। ये केवल कृष्ण की कृपा से ही वहां पर आते थे। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी भगवान के विषय में बता रहे हैं कि ऐसे भक्त जो भगवान के होते हैं, भगवान उनकी किस प्रकार से सेवा करते हैं, पांडवों की उन्होंने कैसे सेवा की। सबसे पहले कहते हैं सारथ्य मतलब ड्राइवर। अगर सीधी जबान में बोलें तो ड्राइवर क्या होता है, सदैव आगे बैठता है और जो सेठ होता है, जो मालिक होता है, वो पीछे बैठकर केवल ड्राइवर को बोलता है, अभी यहाँ चलना है तुमको, अभी दाएं चलना है, अभी बाएं चलना है, अभी उधर चलो, उसके बाद स्टॉप करो। जो मालिक होता है वो पीछे बैठकर ऑर्डर कर रहा होता है। ये त्रिलोकी के नाथ हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं, जो भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, ये जो प्रकृति है मेरे इशारे पर चलती है, वो
अर्जुन के ड्राइवर बन जाते हैं और उसके इशारे पर उसका रथ चलाते हैं। आप जानते हैं भक्तों, जब जंग हो रही होती है ना, जब युद्ध हो रहा होता है, तब हर तरफ से बाण आ रहे होते हैं और उस समय जो महारथी होता है ना, उसके पास बोलने का समय नहीं होता है कि वो सारथी को बोले कि सुनिए सारथी जी, अब लेफ्ट साइड चलिए या अभी आपको राइट साइड चलना है, अभी सीधा चलिए। बोलने का समय नहीं होता है। वो महारथी जो है वो अपने पैर से उस सारथी को स्पर्श करके बोलता है कि मतलब अगर दाएं चलना होता है तो दाएं तरफ और बाएं तरफ जाना होता है तो बाएं तरफ, पैर से उसको इशारा करता है कि इधर चलो। ये भगवान जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, जिनके इशारे पर पूरी सृष्टि चलती है, जिनके रोम कुंपों से, जिनकी श्वास लेने से अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं और श्वास जब अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांडों की प्रलय हो जाती है, ऐसे भगवान अर्जुन के पैर के इशारे पर चल रहे हैं। ये भगवान की करुणा नहीं तो और क्या है? क्या ऐसा कोई और कर सकता है कृष्ण के अतिरिक्त? वो ड्राइवर बनने के, आज यहाँ पर हम देखें कोई प्रधानमंत्री हो और हम उससे कहें कि आज हमारी गाड़ी आप चलाइए, तो क्या वो चलाएगा? या जो कोई कहीं का राजा हो और उसको हम कहें कि आज हमारे लिए आप ड्राइव करो, ये रथ पर मैं बैठ रहा हूँ और आप ये रथ के घोड़े हांको, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये भगवान अपने भक्तों के लिए ड्राइवर भी बनना स्वीकार कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त कहा पार्षद, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था उस समय अग्र पूजा स्वीकार करने के लिए कृष्ण को कहा गया और उस समय कृष्ण ने उस सेवा को भी स्वीकार किया। हालांकि उस समय पहले कहा कि सारथ्य पारषद सेवन, वैसे तो वहां पर सेवा कर रहे थे, जानते हैं आप वहां पर भगवान की सेवा क्या थी? जब सारे जितने भी ब्राह्मण लोग आते थे उनको चरण धुलाने की सेवा भगवान ने दी थी। ये भगवान, हालांकि अगर देखा जाए तो ये कितनी छोटी सेवा है ना, कि दूसरों के चरण धुलाना, और ना केवल उनके चरण धुलाते थे बल्कि अपने पीताम्बर से बहुत ही प्रेम से उन सब ब्राह्मणों के चरण को भगवान सुखाते थे और फिर उनको प्रसाद जब दिया जाता था तो उनके झूठे पातल उठाते थे। ये भगवान इतने करुणामयी हैं, इतना स्नेह है कृष्ण के पास। कृष्ण अपनी भगवत्तता को भूल जाते हैं जब भक्त की सेवा करने की बात आती है ना, तो कृष्ण को ये याद नहीं रहता है कि मैं भगवान हूँ तो मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए कम से कम। वो हर एक कोई भी सेवा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान ने कोई सेवा भी नहीं छोड़ी, हर एक सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते थे। सखियो यानी जो एक मित्र की सेवा होती है, जैसे हम मित्र से क्या सलाह मांगते हैं, तो जब भी कोई भी सलाह चाहिए होती थी युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, कोई भी बात पूछनी होती थी कि किस तरह से करना चाहिए आपके ख्याल में कृष्ण, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक मित्र की तरह सलाह देते थे। और इतना ही नहीं, दौत्यम, दौत्य का मतलब होता है मैसेंजर, पोस्टमैन। जब दूत पद को स्वीकार करना, यानी जब शांति दूत भगवान, हालांकि ये भी कोई अच्छा पोस्ट नहीं है, मैसेज इसका उसको देना, पोस्टमैन का जो वो कार्य होता है वो भी कितना कम, लेकिन फिर भी भगवान वो कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और वहां पर जानते भगवान मेरा अपमान करेंगे कुरु सभा में, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे भक्त ऐसा चाहते हैं इसलिए भगवान पोस्टमैन बनने के लिए, एक मैसेंजर बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वे कहते हैं वीरासना। वीरासना जानते किसको बोलते हैं? ये एक आसन होता है, जो अष्टांग योग होता है उसमें एक वीर आसन भी होता है। उसमें कैसे बैठते हैं? एड़ियों पर बैठते हैं, एड़ियों के ऊपर, जैसे एक होता है ना
वॉचमैन चपरासी जो होता है वो बैठता है, और उस तरह से वीरासन में बैठने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, लाभ ये होता है कि उस आसन में बैठकर नींद नहीं आती है। और अगर कोई जैसे हमारे ऊपर प्रहार करने आए तो उस समय प्रति प्रहार यानी प्रहार का जो उत्तर देने के लिए सबसे सुंदर जो आसन है जिसमें आप फुर्ती से उठकर अपनी तलवार को पकड़ के उसका उसके प्रहार का जवाब दे सकते हो वो उसके लिए वीर आसन होता है। यानी उसमें आप इतना अटेंटिवली इतना एकदम अटेंशन के साथ बैठे होते हो कि आप फौरन से प्रतिकार कर सकते हो। ये वीर आसन में ये भगवान जो है वो एक पहले भी वामन देव जब वामन देव बनकर भगवान महाराज बलि की सभा में आए थे और महाराज बलि ने दो पग में अपना सब कुछ उनको दे दिया था और तीसरा पग भगवान ने कहा कहाँ रखूं, तब बलि महाराज ने कहा आप बताइए कि दान बड़ा होता है या दानी। तो भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है क्योंकि सब दान तो वो देता है। तो बोला अब मेरा दान तो आपने ले लिया, अब तीसरे पद में इस दानी को स्वीकार कीजिए। और जैसे भगवान ने अपना तीसरा पद महाराज बलि के मस्तक पे रखा तो महाराज बलि सुतल लोक में चले गए। और सुतल लोक जो एकदम नीचे है उसमें जब वो गए तो वहां पर भगवान ने महाराज बलि का जो ये महल था वहां पर उसका वॉचमैन बनना स्वीकार किया, उसका पहरेदार बनना स्वीकार किया। और भगवान वहां पर ऐसे देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो वॉचमैन होते हैं उनकी शिफ्टिंग होती है ना, भाई सुबह के 12 बजे से लेकर 12 बजे तक आप करोगे, उसके बाद रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक ये शिफ्ट करेगा, कभी दो शिफ्ट होती हैं कभी, क्योंकि वॉचमैन की जो ड्यूटी होती है ना वो बहुत अलर्ट रहना होता है ना, कि कोई भी आकर आक्रमण ना कर ले या कुछ इस तरह कोई विद्रोही लोग ना आ जाए, तो उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। तो वो लेकिन महाराज बलि के भगवान जो है वो एक अकेले वही करते थे 24 आवर्स, उनको शिफ्ट भी नहीं मिलता था, उनको रेस्ट भी नहीं मिलता था, वो कंटिन्यूअस भगवान की सेवा भगवान जो है वो महाराज बलि की सेवा करते थे। एक बारी क्या हुआ, लक्ष्मी महारानी जो वो भगवान को देखकर बहुत ज्यादा उनको लगता था कि मेरे पति लक्ष्मी देवी के पति, विचार कीजिए भक्तों इस संसार में जिसके पास थोड़ा सा भी धन हो जाए तो वो कम से कम वॉचमैन की जॉब नहीं करेगा ना, लेकिन ये भगवान जो लक्ष्मी देवी के पति हैं वो महाराज बलि के यहाँ पर वॉचमैन की जॉब कर रहे हैं और उसकी बदले में उनको मिल रहा भी कुछ नहीं। तो एक बारी लक्ष्मी महारानी महाराज बलि के पास आती हैं और कहती हैं महाराज मैं आपसे एक प्रार्थना करने आई हूँ। तब महाराज बलि ने कहा क्या प्रार्थना है माता, बताइए आप मुझे। आपके पति ने स्वयं अपनी इच्छा से ये स्वीकार किया है, मैंने उनको कार्य नहीं बताया ये वाला करने के लिए, वो स्वयं स्वीकृत किए हैं इस कार्य को। आप मैंने मतलब मेरी वजह से नहीं है, आप इनको छुड़ाने के लिए आए हो। तब लक्ष्मी रानी का नहीं, मैं इनको छुड़ाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जानती हूँ कि वो जो कार्य करते हैं वो अपनी स्वतंत्र हैं अपने इच्छा के द्वारा कार्य करने के लिए। तो बोला फिर आप मुझसे क्या प्रार्थना लेकर आए हो। तब बोला कि आपका कितना बड़ा महल है। बोला तो बोला इसके बहुत सारे दरवाजे हैं और वो दरवाजे बहुत दूर दूर हैं। तो बोला हाँ, फिर तो बोला आप है ना जब दरवाजे से किसी भी द्वार से बाहर निकलते हो तो आप कोई एक द्वार है ना निश्चित कर दो कि मुझे इसी द्वार से बाहर निकलना है। तो महाराज बलि ने बोला ऐसे क्यों। बोला कि जब आपको बाहर निकलना होता है
तब क्योंकि मेरे पति आपके सेवक हैं, आपके द्वार पर पहरा देते हैं, तो जो सेवक होता है, पहरेदार होता है, जो वो क्या करता है, जब स्वामी बाहर निकल रहा होता है तो वो उनका स्वागत करता है एक तरह से, ऐसे हाथ यहाँ पर रख के और सर झुकाता है। तो उनको आप उनको पता नहीं होता है कि अभी आप कैसे कौन से दरवाजे से निकलने वाले हो, और जैसे ही आवाज आती है कि महाराजा वली आ रहे हैं, तो उनको दौड़ के उस दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि अब आप उस दरवाजे से निकल रहे हो, कभी आप कौन से द्वार से निकलते हो, कभी आप कौन से द्वार से। तो मैं ये देख नहीं सकती कि मेरे पति को इतना परिश्रम करना पड़ता है। इसे मैं आपसे यही प्रार्थना करने आई हूँ कि आप कृपा करके एक द्वार निश्चित कर दीजिए कि आपको वहीं से निकलना है। तो भक्तों, कहने का अर्थ ये कि भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह भगवान जो है वो पांडवों के लिए सदैव वीरासन में होते थे। नेचुरा प्रोपा जी ने कहा, रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाली करने की पद की स्वीकृति। वो सदैव तत्पर रहते थे कि क्योंकि दुर्योधन की दुर्योधन की साइड में जितने भी योद्धा हैं, वो किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। वो लोग जो थे वो षड्यंत्र रचाते थे और छल से भी वो आक्रमण करते थे, इसलिए भगवान सदैव तत्पर रहते थे, भगवान सदैव रखवाली करते थे। और ये त्रिलोकी के नाथ जिनके इशारे पर सब कुछ हो सकता है, जिनकी संकल्प मात्र से सब कुछ हो सकता है, वो रात में धीरे धीरे महाराजा युधिष्ठिर के साथ बात करते थे और बोलते थे, महाराज कल ऐसे कार्य करेंगे, बड़े भैया हमको ऐसे करना चाहिए कि कल सबसे पहले अर्जुन को उस तरफ भेजेंगे, उसके बाद इसे, मतलब वो बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं। यानी यहाँ पर लिखा अनुगमन, जिस तरह फिर महाराजा युधिष्ठिर महाराज या फिर ये जो भी योजना बनाते थे तो भगवान उसको फॉलो करते थे, अनुगमन करते थे उनका। ये भगवान जो है वो अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या नहीं करते। स्तवना अक्सर वो महाराजा युधिष्ठिर को प्रार्थना करते थे कि बड़े भैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप ऐसे कीजिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बताते थे। और जब भी मिलते थे तो प्रणाम करते थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जो थे वो भगवान श्री कृष्ण से बड़े थे, तो हमेशा प्रणाम करते थे, कुंती महारानी को प्रणाम करते थे। वो भगवान है लेकिन फिर भी अपने भक्तों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं, उसका उत्तर देते हुए ये कहते हैं सुध गोस्वामी, स्निग्धेषु। स्निग्धेषु का मतलब होता है जो विनम्र होते हैं, जो विनीत होते हैं। वास्तव में स्निग्धेषु जो है वो स्नेह शब्द से निकला है, यानी जो भगवान से अत्यधिक स्नेह करते हैं ना, जो भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र है। वो ये जानते हैं कि इससे भगवान प्रसन्न होते। अब यहाँ पर भगवान की सेवाओं के विषय में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ ये भगवान इनकी सेवा क्यों करते थे, क्योंकि पांडव सदैव भगवान की सेवा करने के लिए हृदय के अंदर इच्छुक होते थे। क्योंकि पांडव जन भगवान के स्निग्ध भक्त थे। स्निग्ध का मतलब होता है मक्खन की तरह मुलायम। जिस तरह मक्खन कितना नरम होता है, ताजा मक्खन जो होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, उसी तरह जो भगवान का भक्त होता है उसका हृदय जो है वो एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम निर्मल। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनी सेन तरोरपि सहस्रोण। जो राह में गिरे हुए घास के तिनके से भी अधिक विनम्र होता है, ऐसे भक्त जो हैं वो भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणीतम च विष्णु। हालांकि वो विष्णु हैं, वो संपूर्ण जगत जो है उनकी आज्ञा का पालन करता है, सारा जितने भी विश्व हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं। परंतु ऐसे भगवान विष्णु जो हैं वो भी
उन पांडवों की विनम्रता के कारण, उनके स्नेह के कारण, उनके प्रेम के कारण उनके ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि पांडवों के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवा करते हैं। जो सेवा जिस समय अधिक आवश्यक होती थी वो सारी सेवाएं भगवान करते थे। ऐसा नहीं है कि भगवान खाली यहाँ कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवद गीता सुनाते हैं। भाई भगवद गीता सुनाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, तो मैंने तुमको ये सुना दी, अब जाओ अर्जुन तुम प्रचार करो। लेकिन हालांकि अर्जुन तो ऐसा करना चाहते थे, अर्जुन ने तो बोला था भगवान आप, मैं ये सब कुछ छोड़ के जंगल में चला जाता हूँ और भक्ति शुरू कर देता हूँ। और भगवान ने आखिर में कहा भी अर्जुन को कि देखो अर्जुन, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रियकृत तमः भविता न च मे तस्मिन् अन्य प्रियतरो भुवि, कि जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को सुनाता है उससे अधिक मेरा ना कोई प्रिय है और ना ही कोई भविष्य में होगा। तब अर्जुन कह सकते थे ना, कृष्णा मुझे तो तुम्हारा प्रिय बनना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रचार करने के लिए, और बहुत बड़ा सुअवसर प्राप्त होता वहां पर अर्जुन को प्रचार करने का। 64 करोड़ लोग थे, कुछ तो भक्त बन ही जाते, तो अर्जुन चले जाते ना वहां पर प्रचार करने के लिए। लेकिन नहीं, वो जानते थे कि इस समय भगवान की प्रसन्नता इसमें है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म युद्ध में भाग लूं, इसलिए मुझे और कोई कार्य नहीं करना। इस समय भगवान को अर्जुन की इच्छा नहीं थी। वास्तव में भक्त को ये सीखना चाहिए, वास्तव में हमें भगवान से यहाँ पर ये सीखना चाहिए, हमें भी कृष्ण से सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से सेवा करनी चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, अपनी पसंद की सेवा ढूंढते हैं कि मुझे इस तरह से सेवा अच्छी लगती है तो मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, भगवान ने कभी, जहाँ से हमने देखा, कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी पोस्टमैन बन जाते हैं, कभी वॉचमैन बन जाते हैं, ये नहीं सोचते कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, ये सोचते हैं कि उस समय वास्तव में मेरे भक्त के लिए क्या अच्छा है, मैं क्या करूं कि मेरे भक्त को प्रसन्न कर सकूं। उसने भगवान को के भक्तों को सदैव ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं इस समय, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड, कि इस अवस्था में मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो हम अपनी पसंद की सेवा ढूंढते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन सी सेवा जो है वो अभी इस समय अधिक आवश्यक है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए, पात्रता के अनुसार जो सेवा भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होती है उसी से हमें प्रसन्न होना चाहिए, और जो सेवा हमें प्राप्त हुई है उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम करते हैं उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान की प्रसन्नता के लिए ना चाहते हुए, उन्हें दिल नहीं कर रहा था, उनकी इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन फिर भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने युद्ध किया। उसी तरह जब भगवान ने देखा कि अभी अर्जुन को सबसे ज्यादा आवश्यक है एक अच्छे सारथी की जो उसके रथ को बहुत अच्छे तरीके से चलाए, और महाभारत में लिखा है अर्जुन भगवान को कहते हैं कि अर्जुन मैं ना केवल अपने रथ की डोर आपके हाथ में दे रहा हूँ बल्कि अपने जीवन की डोर भी आपके हाथ में दे रहा हूँ। और सारथी बने थे भगवान अर्जुन के, हालांकि सारथी की रथी जो है, महारथी जो है, उसका कर्तव्य है कि वो सारथी की रक्षा करे, लेकिन वो सारथी बने हुए भी हमेशा अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। हमने देखा जब जब अर्जुन को संकट पहुंचता था तो
भगवान पहले ही वो जगह से रथ को हटा देते थे। एक बार जब कर्ण जो है वो शक्ति का उपयोग कर रहे थे और कर्ण ने जब जैसे ही शक्ति चलाई तो वो शक्ति जो कर्ण की थी, शक्ति बाण जो था, वो यदि अर्जुन को लगता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अर्जुन बच जाता। परंतु भगवान ने क्या किया, घोड़ों को इस तरह से घोड़े की चाबुक को खींचा कि घोड़े जो हैं वो घुटनों के बल बैठ गए। अब घोड़े जब बैठ गए तो रथ नीचे हो गया, रथ नीचे हो गया तो वो जो शक्ति बाण आ रहा था वो अर्जुन के मुकुट में लगा और मुकुट टूट के गिर गया। लेकिन वही रथ, वही बाण जो है वो अर्जुन को भी लग सकता था अगर भगवान इस तरह से उनकी रक्षा ना करते। हालांकि महारथी रक्षा करता है ना सारथी की, लेकिन यहाँ भगवान सारथी बनकर भी अर्जुन की रक्षा करते थे। जब भीष्म पितामह इतने सारे बाण चला रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि भीष्म पितामह तो बहुत ही खतरनाक युद्ध कर रहे हैं, बहुत ही भयानक युद्ध कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण सदैव अर्जुन को बचाते थे। हालांकि भीष्म पितामह के बाण जो हैं कभी कभी कृष्ण को लग जाते थे, लेकिन फिर भी वो अर्जुन को सुरक्षा प्रदान करते थे। वास्तव में भक्तों, भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम का जो आदान प्रदान है, ये जो सेवा भाव है कि मैं कैसे अपने भक्त को प्रसन्न करूं, और भक्त सदैव सोचता है मैं कैसे अपने कृष्ण को प्रसन्न करूं, जब इस प्रेम के आदान प्रदान को अनुभव किया जाता है ना, तब क्या होता है जानते हो? भक्तिम करोति नृपते चरणारविंदे, तब भगवान के चरण कमलों की भक्ति से हृदय अभिभूत हो जाता है। तब जाकर हृदय के अंदर भगवान की भक्ति जन्म लेती है। जब हम भगवान के इन स्नेहमय कार्यों को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम सोचते हैं कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण कितनी करुणा कर सकते, कितनी करुणा है कृष्ण के अंदर, हम उसके विषय में जब सुनते हैं ना, तो हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे सुत गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अहो प्रकियम स्तन कालकूटम किं वा दयालुं शरणं व्रजेन। वो भगवान जिनको पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर मारने के लिए आई थी, वो भी उस पूतना को भी जिसने धात्री की गति, यानी यशोदा मैया की जो सहचरी, यानी उनकी टाइप की मुक्ति उसको दी, माता की गति उसको दी, इससे ज्यादा किम वा दयालु, क्या इससे ज्यादा करुणामयी कोई भगवान हो सकता है? क्या इसके अतिरिक्त कोई ऐसा है जिसकी शरण में हमें जाना चाहिए? ये भगवान जो अपने भक्तों के लिए सारथी बन जाते हैं, जो अपने भक्तों के लिए वॉचमैन बन जाते हैं, जो अपने भक्तों के लिए झूठे पत्तल उठाते हैं, उनकी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, क्या इसके अतिरिक्त कोई और है जिसकी शरण में जाना चाहिए? जब हमें कृष्ण के इस स्नेह का अनुभव करते हैं ना, वास्तव में कथा का यही वास्तविक पल है कि हम कृष्ण की इस कृपा को समझ सकें, उसे अनुभव कर सकें। केवल कथा में आकर बैठ जाना ये श्रवण नहीं है। श्रवण जो होता है ना, ऐसा श्रवण कि बस आके कथा में बैठ जाओ और वो वक्ता जो है वो बोल रहा है और आप उसको बैठ के कानों से सुन रहे हो, हृदय के अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा श्रवण तो चिड़िया भी आके उड़ के कर सकती है। वहां पर बैठा हुआ यदि कोई कॉकरोच है, मच्छर है, कोई कीटाणु है, तो वो भी तो सुन रहा है ना। इस तरह से हम यदि श्रवण कर रहे हैं तो उससे हमारा हृदय पिघलना चाहिए। भगवान के स्वभाव को तत्व से जानकर हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। कथा को केवल मनोरंजन के लिए नहीं सुनना चाहिए। आजकल जो ज्यादातर कथावाचक होते हैं, वो कथा को, भगवान की इन सब पास टाइम लीलाओं को सिर्फ मनोरंजन के लिए, अच्छा भगवान ने ऐसे किया,
भगवान कैसे कितना नटखट है, कैसे गोपियों के घर में जाकर चोरी करते हैं, भगवान किस तरह से यशोदा मैया की रस्सी से बंध जाते हैं। ये भगवान है जो त्रिलोकी को अपने इशारों पे नचाते हैं। ये भगवान यशोदा मैया एक ग्वालन की रस्सी से बंध कर भगवान संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों के वश में है। वास्तव में जब तक हम किसी भगवान की इन लीलाओं के तत्वों को नहीं समझते, तब तक हमारे हृदय में भगवान के लिए वास्तविक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, वास्तविक भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। हम जब भगवान के विषय में श्रवण करें तो भगवान से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। और प्रेम पता है कैसे पता चलता है? कि हृदय के अंदर ना उत्सुकता होनी चाहिए कि कब मैं और अधिक करीब आऊं, कब मुझे जब मौका मिले ना भागवत कथा श्रवण करने का, तो हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए कि आज मुझे भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, आज मैं भगवान के विषय में कुछ श्रवण करने वाली हूँ, ये भगवान की कितनी कृपा है। हम क्या करते हैं, जब कोई फाइल आती है सबसे पहले देखते हैं कितने मिनट तक मुझे यहाँ पर बैठना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें एक घंटे का लेक्चर सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी मन में ऐसा होता है कि अब भी आज तो पूरा एक घंटे का लेक्चर। यदि मन में ऐसा आता है तो समझो अभी तक हम भगवान की इन कृपाओं को तत्व से नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब किसी जीव पर बहुत बहुत कृपा होती है ना, तब कहीं जाकर भगवान उसे भागवतम श्रवण करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो हृदय के अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक तीव्रता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने का अवसर मिला है। कृष्ण जानते हैं जो इन कथाओं को सुनेगा मैं उनके हृदय में कैद हो जाऊंगा, फिर भी मुझे अवसर दिया है कि मैं उन कथाओं को श्रवण करूं। जब कभी नाम जप करने का, संकीर्तन करने का अवसर मिले तो हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए कि वो नाम जो साक्षात भगवान का स्वरूप है वो अब मेरी जीवा पर आने वाला है। हम क्या करते हैं, जब नाम जप कर रहे होते हैं तब कंसंट्रेशन पूरा टाइम पर होता है, एक घंटे के बाद मेरी ये माला खत्म हो जाएगी, उसके बाद मुझे दूसरा कार्य करना है। नहीं, मैं जो माला कर रहा हूँ उसका आनंद लूटना है मुझे। ये समय मुझे अपने प्रीतम से मिलने के लिए मिला है। कृष्ण मेरे प्रीतम है और नाम कृष्ण से अभिन्न है। तो जब कोई इस भौतिक जगत में भी जब कोई प्रेमी अपने प्रीतम से मिलता है तब सब कुछ भूल जाता है और उसी के प्रेम में खो जाता है। तो जब हम नाम जप करें तो उसी के अंदर खो जाए कि मुझे कैसे मैं अच्छा से अच्छा नाम जप करूं और कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर सकूं। तो ये तभी संभव है जब हम बहुत ही ईगरनेस के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं। इसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये श्रीमद् भागवतम हमें ये समझाता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ किस तरह से कार्य करते, किस तरह से लीलाएं करते, किस तरह से प्रेम का आदान प्रदान करते। और केवल इतना समझ जाए, कृष्ण के तत्व को केवल इतना समझ जाए कि भगवान भक्तों के साथ कैसे आचरण करते हैं, किस तरह से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो मोक्ष यूं ही प्राप्त हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे तो भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण प्रतीत होते हैं। साधारण मानव जिस तरह से कार्य करता है वैसा लगता है, लेकिन जो इन्हें ठीक से समझता है वह भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। जब हम भगवान के इन प्रेम के आदान प्रदान को, इन आचरणों को ठीक से समझेंगे, कृष्ण की कृपा को रियलाइज करेंगे, कृष्ण की उदारता को जब हम हृदय से अनुभव करेंगे, तब
हम भगवत धाम प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाएं, क्योंकि भक्तिम करोति नृपतये शरणारविन्दे, तभी हमारे हृदय में वास्तविक भक्ति उत्पन्न होगी और हम भगवान की वास्तविक भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भक्त के हृदय में दो बातें सदैव होनी चाहिए, एक तो उत्सुकता होनी चाहिए, कोई भी कार्य, कोई भी सेवा, कोई भी भगवान के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अवसर मिला है, कुछ भी है, चाहे वो जप कर रहे हैं, चाहे श्रवण कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए उत्सुकता होनी चाहिए। और दूसरा चिंता होनी चाहिए। चिंता किस बात की? कि कहीं ये सेवा मुझसे छिन न जाए। आज मुझे श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मुझसे ये सेवा छिन जाए। आज मैं इतना प्रेम से टाइम निकाल पा रही हूँ जप करने के लिए, कहीं ऐसा न हो कि माया आक्रमण करे और मैं जप करना छोड़ दूँ। आज तो मुझे भक्तों का संग मिल रहा है, भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि माया का आक्रमण हो और मुझसे ये सब छिन जाए। सदैव चिंतित होना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जो भगवान के साथ संबंध होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। वो नहीं, लेकिन हमारी साधना अभी इतनी कच्ची है कि हम अभी तक बिल्कुल एक छोटा सा पतला सा धागा है ना, समझो वो है हमारे और भगवान के बीच में। और हम अगर थोड़ा सा भी आगे निकल गए, भगवान को पीछे छोड़ दिया, तो माया हमें जकड़ देगी और हम माया के शिकंजे से छुड़ा नहीं पाएंगे अपने आप को। इसलिए सदैव भगवान से विनीत होकर ये प्रार्थना करनी चाहिए। श्री प्रभुपाल जी इतनी बड़ी अवस्था में भी, जब वो गुरु बन गए थे, तभी भी भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, आप अपनी माया से मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बहुत चिंता रहती है कि कहीं माया मुझे आपसे दूर न कर ले। तो हमें भी सदैव भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि आप हमें आशीर्वाद दो। और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें अपनी माया से बचाओ, क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हम अभी इतने पक्के भक्त नहीं है, इतने शुद्ध भक्त नहीं है कि हम जो है वो भगवान की माया से लड़ सकते हैं। नहीं, हमें हर समय शुद्ध भक्तों की, भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। सदैव हमें उत्सुक रहना चाहिए अपनी सेवा के लिए, इतना ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, और सदैव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और चिंता रहनी चाहिए कि कहीं मुझसे ये भक्ति, जो न जाने कितने जन्मों की शुभ कर्मों के उपरांत, कितने जन्मों की स्ट्रगल के बाद मुझे मनुष्य देह मिला और मनुष्य देह में कृष्ण का नाम जप करने का अवसर मिला, कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने का अवसर मिला, बस कृष्ण कुछ भी ऐसा न हो कि मुझसे ये छिन जाए। बाकी संसार भले मुझे मिले ना मिले, मगर मेरी भक्ति सदैव मेरे साथ रहे। आप कृपया अपनी माया से मुझे बचाए रखना। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं भगवान की माया से बची रहूं। हरे कृष्ण।